वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ग्लिसरीन को हम किस तरह से यूज करें ताकि हमारी उम्र जो है वो छुप जाए। 50 की उम्र के व्यक्ति 20 की उम्र की तरह अपने स्किन पे ग्लो शाइन लेकर आ सकते हैं। जी दोस्तों, ग्लिसरीन के लिए बहुत लोगों के दिल में दिमाग में वहम होता है कि इसे सिर्फ ड्राई स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं और ग्लिसरीन को सिर्फ सर्दियों में ही यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये आपने एक अपने दिमाग में मिथ बनाई हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लिसरीन को सिर्फ इसी तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लिसरीन को आप गर्मियाँ सर्दियों दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन को तीनों स्किन टाइप के पर्सन यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सुपर ड्राई स्किन है आपकी, तो आपके लिए रामबाण है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आप इसे कुछ डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स रिमूव हो सकते हैं। ग्लिसरीन को स्किन के लिए अमृत माना जाता है। बहुत ही पुराने टाइम से ग्लिसरीन को मेकअप के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ग्लिसरीन को यूज़ करने के कुछ डिफरेंट वे होते हैं जिससे आप कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहिए आपको, ताकि ये आपकी स्किन पे अच्छा इफेक्ट दे पाए। आप कभी भी ओनली ग्लिसरीन को ही, सिर्फ अकेली ग्लिसरीन को अपने चेहरे पे मत लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही ऑयली सी होती है। सो दैट्स वाई इसको अकेले यूज़ नहीं करना है। आपने जब भी ग्लिसरीन को यूज़ करना है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स करके ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपकी स्किन पे ये बेस्ट इफेक्ट दे पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी ग्लिसरीन को हमें किस तरह से यूज़ करना है, ग्लिसरीन में हम क्या चीज़ डाल के अपने चेहरे पर लगाएं जिससे हमारी स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स रिमूव हो सके और 50 का व्यक्ति 20 की तरह यंग बन जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन लेते हैं और उसमें 1 चम्मच आप गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट बनाकर इसके अंदर डालते हैं, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं और रात को लगाकर सो जाते हैं, हर रोज इसे ट्राई करते हैं, तो फाइन लाइंस, रिंकल बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आप तीनों टाइप पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले तीनों पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करने में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी बनाता है, क्योंकि ग्लिसरीन जो है दोस्तों, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन को लाइटन करती हैं, ब्राइट बनाती हैं, डस्ट को रिमूव करती हैं। और गुलाब जल तो हमारी स्किन के लिए बेस्ट ही है, ये हम सबको पता है। तो जो नेक्स्ट है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक पैक बताऊंगी, ये भी आप तीनों टाइप स्किन वाले पर्सन यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले इसे डेफिनेटली यूज़ करें। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको चाहिए 2 से 3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन, 1 चम्मच आप ऑरेंज पिल पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर ऑरेंज के छिलके को आपने ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बनाइए और 1 चम्मच उसका लीजिए। इसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन डालिए और गुलाब जल की सहायता से इसका पेस्ट बनाएं और अपने पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई करें। दोस्तों इससे आपके चेहरे के एक्ने, पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, टी जोन एरिया पे जो आपके ऑयल निकलता रहता है वो रिकवर हो जाएगा। उससे ये कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा पैक है दोस्तों, एंटी एजिंग पैक है, तो इसकी मदद से आपके चेहरे के रिंकल्स तो रिमूव होंगे ही, साथ में जो डार्क पैचेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, डार्क धब्बे रिमूव करेगा ये और पिंपल एक्ने को भी खत्म करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों 2 चम्मच दही लीजिए, उसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस डालें और 2 ड्रॉप्स डालें ग्लिसरीन की। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके नहाने से पहले अपने चेहरे पे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज कीजिए, हर रोज करें। ऐसा करने से आपकी स्किन शाइन भी करेगी, स्मूथ भी करेगी और जो मेकअप के बाद आपके ड्राई पैचेस शो होते हैं वो भी नहीं रहेंगे और स्किन से डर्ट, डस्ट खत्म हो जाएगी। तो आप ग्लिसरीन को इस तरीके से यूज़ करें ताकि आपकी स्किन बेहद खूबसूरत बन जाए, आप यंग लगें। बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ स्किन है, आप अपनी मदर्स में भी इसे ट्राई करें, क्योंकि एज के साथ साथ उनके फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइन आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सभी व्यूवर्स के लिए कि आप इस पैक को अपनी मदर्स को बना के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी मदर्स के आँखों के आसपास, लिप्स एरिया के आसपास रिंकल्स, फाइन लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप उन्हें ये पैक बनाकर जरूर दीजिएगा, ये उनके लिए बेस्ट है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छा बेस्ट घरेलू नुस्खा है दोस्तों, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट के बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत सारा हौसला मिलता है। और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।